नमस्कार, मैं हूं सिंपल मारुद्या और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। लोकल पर वोकल, शुद्ध और स्वादिष्ट दादी माँ सत्तू व बेसन के बाद अब दादी माँ मसाले, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी व सब्जी मसाले और दादी माँ का सुगंधित अगरबत्ती। ए प्रोडक्ट बाय माँ लक्की इंडस्ट्रीज मधुपुर। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। देवघर सदर अस्पताल में लगी कोरोना टेस्टिंग मशीन, 2 घंटे में मिलेंगे अब जांच परिणाम। ईद को लेकर और लॉकडाउन में ढील से बाजारों में लौटी रौनक। युवा व्यवसायी सह समाज सेवी अंकित लक्ष्मीराम का हुए सम्मानित। युवाओं में हर्ष का माहौल। अनुमंडल पारा मेडिकल कर्मियों एवं आयुष चिकित्सकों ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध। मार्गो मुंडा थाना में हुई शांति समिति की बैठक। मधुपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 में लगा गंदगी का अंबार, मोहल्लेवासी परेशान। खिड़की बाग चेक पोस्ट पर आज 360 व्यक्तियों का हुआ थर्मल स्क्रीनिंग। क्वारंटाइन सेंटर में समुचित सुविधा न मिलने से ग्रामीणों ने मुखिया के खिलाफ जताई नाराजगी। अब खबरें विस्तार से। आज देवघर सदर अस्पताल के टीबी सेंटर वार्ड में कोरोना पॉजिटिव के टेस्ट के लिए ट्रूनेट मशीन लगाया गया, जिसका उद्घाटन जिला उपायुक्त नैन्सी सहाय ने की। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार के साथ नगर आयुक्त शैलेंद्र लाल भी मौजूद थे। मौके पर उपायुक्त नैन्सी सहाय ने बताया कि अब हमें जांच के लिए सैंपल धनबाद भेजने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि मात्र 2 घंटे में ही हमें कोरोना पॉजिटिव की जानकारी इस मशीन की सहायता से मिल जाएगी। दो जगह का प्रोसेसिंग होगा, पहले वहाँ पर बाहर में बढ़ते समय में वहाँ पर उसका बढ़िया से प्रोसेसिंग किया जाएगा। प्रोसेसिंग करने के बाद फाइनली यहाँ पर आएगा, बिकॉज अंदर मेन जहाँ एक आदमी जो टेक्नीशियन है सिर्फ इसी के लिए है कि उसको प्रोसेसिंग करके जब प्रोसेसिंग पूरा हो जाएगा तब उसको किट पे ट्यूब है तो फिर यहाँ ला कर ट्रूनेट को बोलते हैं। ट्रूनेट तो यहाँ आज हम लोगों ने जिले में ट्रूनेट मशीन है जिसके थ्रू कोरोना सैंपल्स की जांच की जाती है और राज्य में सभी जिलों में सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इसको दिया गया है राज्य सरकार के ही द्वारा। और इसका एडवांटेज ये है कि अब हम लोग जिले में ही हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। कैपेसिटी इसकी लिमिटेड है काफ़ी, क्योंकि एक प्रोसेस करना होता है, फिर चिप में आरएनए को शिफ्ट करके उसको फिर मशीन में डालना, तो समय लगता है। करीबन एक सैंपल टेस्ट करने में 2 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन फिर भी एक क्योंकि बहुत सारे सैंपल्स, बहुत सारे जिलों के सैंपल्स अभी धनबाद जाते हैं, करीबन 9 से 10 जिलों के, और टाइम लगता है। और कभी कभी हम लोग के लिए बहुत अर्जेंट मतलब कुछ मैटर्स होते हैं कुछ केसेस में जिसमें हम लोग को रिजल्ट जानना बहुत आवश्यक है, तो हम लोग जिले में भी अब हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं और हर दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इसकी, क्योंकि पहली बार ये लैब टेक्नीशियंस और सभी को ट्रेन भी किया गया है, तो शुरुआत में हो सकता है थोड़ा समय, लेकिन एज जैसे जैसे दिन होंगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल्स हम लोग राउंड द क्लॉक हम लोग कोशिश करेंगे कि रोस्टर बनाकर पूरे दिन 24 आवर्स हम लोग सैंपल्स की टेस्टिंग करें ताकि रिजल्ट हम लोग को जल्दी। ये निःशुल्क होगा? जी, ये निःशुल्क। भले ही झारखंड में लॉकडाउन में पूरी ढील नहीं दी गई है, फिर भी ईद को लेकर बाजारों में भीड़ काफ़ी है। लच्छे, फल, मेवे आदि दुकानों में खरीदारों की भीड़ देखी जा सकती है। संभावना है कि ईद सोमवार को मनाई जाएगी। अच्छा कर रहे, सोशल डिस्टेंस पालन करते हुए बेच रहे हैं। सोशल डिस्टेंस पूरा बाजार मोटा मोटी ठीक है, जैसा माहौल है शरीर का अभी किसी के पास तो वैसा इनकम नहीं है, इसलिए यहाँ ज़्यादा जाता था हमारा कम।
युवा व्यवसायी समाज सेवी अंकित लच्छीराम का को कोरोना योद्धाओं के रूप में निस्वार्थ भाव से किए गए कार्यों के लिए देवघर जिला उपायुक्त द्वारा उन्हें सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इससे मधुपुर के युवाओं का मनोबल काफ़ी बढ़ा है और इससे युवाओं को समाज के प्रति सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरणा मिलेगी। उपायुक्त महोदया के तरफ से आपको जो ये सम्मान मिला है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इस सम्मान के लिए मैं डीसी मैम का बहुत बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और उनको मैं ये गारंटी देता हूँ कि ये काम मेरे द्वारा आगे भी होता रहेगा। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर में अनुबंध पर कार्यरत पारामेडिकल कर्मियों तथा आयुष चिकित्सकों ने काला बिल्ला लगाकर सरकार का विरोध जताया। इनका मुख्य मांग सीधा समायोजन है। इन लोगों का कहना है कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी में अपनी जान की परवाह किए बगैर कार्य कर रहे हैं, परंतु सरकार हम लोगों को स्थायी करने में विचार नहीं कर रही है। इन लोगों ने समायोजन नहीं होने तक समान काम के लिए समान वेतन तथा कोविड-19 के तहत इंसेंटिव भुगतान का मांग किया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। MDP न्यूज पेश करता है लॉकडाउन के नन्हे कलाकार। अगर आपके बच्चे में भी है कोई छुपी प्रतिभा तो हमें साझा करें, हम आपकी प्रतिभा को निखारें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मार्गोमुंडा प्रखंड सभागार में BDO संतोष कुमार चौधरी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में प्रखंड के जीप सदस्य इमरान हंसारी व अबू अख्तर सहित प्रखंड क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। मौके पर BDO ने सभी लोगों से अपील किया कि अपने अपने घरों में ईद की नमाज पढ़ें। थाना प्रभारी ने कहा कि लोगों से अपील है कि लॉकडाउन का पालन करें, कानून का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी मुस्लिम भाई है कि ईद का नमाज ईदगाह में जमात से ना पढ़ें, ये वाजिब नमाज है, अपने घरों में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे इदारा से, बहुत सारे मुफ्तियान से, सबों से आ चुका है कि अपने अपने घरों में पढ़ें। ईद के लिए सर क्या तैयारियां हो रही है? प्रशासन बाहर से भी मंगाया जा रहा है जवान को, क्या है? जी, जिला स्तर से फोर्स के लिए मांग किए हैं और हमारे अधीक्षक साहब ने कहा कि ये 24-25 को इस क्षेत्र में ईद मनाए जाने का मतलब की सूचना के आधार पर जहाँ जहाँ कुछ जगह पर संवेदनशील स्पॉट चिन्हित किए हैं और वहां पर विशेष रूप से फोर्स का तैनाती करेंगे और उसके बाद 144 धारा लगे हुए हैं हमारे क्षेत्र में, इसका भी प्रचार प्रसार करवाएंगे और पूरे प्रशासन हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि लॉकडाउन का जो सरकार का निर्देश है उसे अनुरूप में हम लोग ईद का पर्व को शांतिपूर्ण से मनाने का पूरा प्रयास। मधुपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 हीना हॉस्पिटल के निकट मोहल्ले वासी इन दिनों मोहल्ले में पसरी गंदगी से काफी परेशान है। नालियों की महीनों से सफाई न होने के कारण अब मोहल्ले वासियों को किसी बीमारी के फैलने का डर सताने लगा है।
मोहल्ले वासियों का कहना है कि उन्होंने इसके लिए कई बार वार्ड पार्षद को सूचना भी दी, लेकिन उन्होंने अब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। आप देख रहे हैं इस नाले की क्या व्यवस्था है, इतनी बड़ी हॉस्पिटल बना रखे हैं यहाँ पर, उसके अंदर में ये व्यवस्था है। न तो वार्ड कमिश्नर सुनता है, न एग्जीक्यूटिव सुनता है, न मधुपुर म्युनिसिपैलिटी सुनती है, उनको खाली टैक्स से मतलब। इस गंदगी के अंदर में अभी की जो स्थिति है कोरोना को लेकर के, उसमें क्या होगा बताइए। इसके अंदर में तो आदमी नहीं मरेगा तो मर जाएगा। ये हमेशा ऐसे ही गंदा रहता है? हाँ, एकदम ऐसे ऐसे ही है। अच्छा, कभी साफ करने आता है कि नहीं? साफ हम जब फ़ोन करते हैं, दो तीन बार फ़ोन करते हैं, तब वो एक दिन कभी भेज देती है। आज भिरकीवाद पोस्ट पर 293 एवं अनुमंडलीय अस्पताल में 67 व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग किया गया। इसमें से 47 व्यक्ति मधुपुर के थे, जिसमें 2 रेड जोन एरिया से आए थे, जिन्हें फैसिलिटी क्वारंटाइन किया गया। शेष 45 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन किया गया। जमुनी पंचायत के पनियारा गांव में रखे गए क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को समुचित सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर प्रवासी मजदूरों एवं ग्रामीणों ने मुखिया को दोषी ठहराया। बताते चले कि कुछ दिनों पूर्व क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों को रखने को लेकर 2 मोहल्ले वासी आपस में भिड़ भी चुके हैं। कल रात एक बजे आए हैं? 12 बजे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका भैया? शंकर राउत। क्या दिक्कत है बोलिए? दिक्कत यही है सर, हम लोग का कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, खाने पीने का घर से खाना आता है। और इधर मान लो लाइट इसमें नहीं है और सफाई नहीं है। अच्छा, बस यही दिक्कत हम लोग का। तो आप लोग को ये बांस बल्ली बांध दिया है क्या, इससे बाहर निकलने से मना करता है? हाँ, इधर से बांध दिया है, इधर से लेटरिन जाने के लिए हम लोग का कष्ट हो रहा है, बाथरूम भर जाता है। बाथरूम भी अच्छा नहीं है सर, बाथरूम अच्छा नहीं है। उसके बाद नदी नहाने गया सुबह में, बोलता है लोग आज के साथे साथ कैसे बल नदी चला गया नहाने के लिए। 4 दिन से खड़ा गाड़ी में ना सर, कैसे हम लोग रहते हैं? गांव वाला ना कुछ सुविधा दे रहा है सर, ना मुखिया को बुला रहे हैं, वार्ड को बुला रहे हैं। मुखिया बोला 9 बजे आएगा, मुखिया नहीं आया, कोई भी नहीं आया। बताए सर ना, वही उसके लिए हम लोग भी वही सुने हैं। डर है? डर नहीं है, मतलब बाहरी आदमी आए हैं, आप कौन है नहीं है छूछा, बस वही। और क्या, पनियारा गांव है, यहाँ पे बैरिकेडिंग किया गया है, इस गांव के अंदर में किसी को जाने से मनाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीता देवी। क्या दिक्कत है बोलिए? दिक्कत है यही, लड़का लोग का खाना पीना का जुगाड़ नहीं है, हम लोग तो 2 महीना से बैठे हुए, कहाँ पाएंगे खाने देंगे इसको? तो कुछ तो मुखिया करेगा, उप मुखिया है, जो कोई मुखिया है, वार्ड है, अभी तक बुलाए तो नहीं आया। बोला हम क्या करेंगे जाके, मुखिया को फोन किया तो उसका सूच और बताया, उसका जो साथी है वो बोला हम 9 बजे जा रहे हैं, अभी तक नहीं आया वो लोग, तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे साग सत्तू जो पाते हैं वही देता है। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल MDP News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।